लगे हैं। अब वो पंजाबी खाने पर ही नहीं बल्कि पंजाबी गाने पर भी हाथ आजमा रहे हैं। Sky is Pink के प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा को देसी गर्ल गाने पर डांस करता देख निक जोनस सुनकर इतना फिदा हो गए कि उन्होंने पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया। और तो और उन्होंने शो के होस्ट को भी प्रियंका से फ्लर्ट करने पर पंजाबी में ही डांट दिया। आपने पंजाबी कब सीखी? वो चोपड़ा से शादी की है, पंजाबी नहीं आएगा खुद ने। तो क्या वाकई प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद निक जोनस को पंजाबी गानों से प्यार हो गया है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी वो अपने जन्मदिन पर प्रियंका के साथ एक पंजाबी गाने पर ही डांस करते दिखे थे। जबकि कुछ दिन पहले प्रियंका के साथ छुट्टियों के मजे ले रहे एक यॉट में भी वो करीना के पंजाबी गाने पर ही प्रियंका के साथ झूम रहे थे। निक जोनस भले खुद ही इंग्लिश गानों के स्टार हैं, लेकिन उन्हें पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गाने बेहद पसंद हैं। अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि निक पूरी तरह से पंजाबी है। स्टेज पर जाने से पहले वो हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं, वो हिंदी रेडियो चैनल सुनते हैं, वो इसे मूड अच्छा करने वाला म्यूजिक मानते हैं। और तो और प्रियंका ने निक के ड्रेसिंग रूम में बजने वाले गानों के बारे में भी बताया। उनके ड्रेसिंग रूम में हमेशा हिंदी फिल्मों के गाने चलते रहते हैं। वो जब पहली बार इंडिया आए थे तो उन्हें इससे प्यार हो गया था। प्रियंका को देसी गर्ल भी कहा जाता है और निक जोनस का पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्यार देखकर तो यही लग रहा है कि वो भी पूरी तरह से प्रियंका के रंग में रंग गए हैं।